हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सुरक्षित होंगे, घर में रह रहे होंगे, प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे। ओके, एंड जो भी है पढ़ाई करते रहिएगा, खुद को एनकरेज रखिएगा। एनकरेज और कॉन्फिडेंस दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ पढ़ते रहना और लो ऑन कॉन्फिडेंस हो, आप पढ़ ही जा रहे हो पूरा टाइम लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ठीक है, एनकरेज्ड नहीं हो फ्यूचर लाइफ के लिए, एनकरेज नहीं हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एनकरेज नहीं हो, तो थोड़ा सा मुश्किल और डिप्रेसिंग हो जाता है मामला। वैसे और ऐसे टाइम्स में जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जनरली क्या करता है बच्चा, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते करने के बाद शाम को जिम चला जाता है, फ्रेंड्स के साथ मिलने चला जाता है, रात को डिनर पर चला जाता है फैमिली के साथ, बाहर क्लब चला जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, पूरा टाइम घर के अंदर रहना, तो एनकरेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूवीज़ वगैरह देखा करो थोड़ी बहुत, ठीक है, जो एनकरेजिंग मूवीज़ होती हैं वो देखिए आप, ठीक है, बीच बीच में। ऑलराइट, चलिए, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अभी तक 3 पार्ट्स देख चुके हैं, दिस विल बी द 4th पार्ट। इसके अंदर हम मेनली क्या कवर करेंगे, हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 5 वाली, उसमें भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जो करंट वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म के अंदर 3 जो मैकेनिज्म्स डिज़ाइन किए गए हैं, एक कंसीलिएशन ऑफिसर का, एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है। ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। और एक नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात की गई है, तो इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। मेनली हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कंसीलिएशन ऑफिसर का क्या काम होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कितने लोग अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या होता है। बेसिकली हम आज एक ओवरव्यू देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या जो है ये जो 3 एरियाज हैं परफॉर्म फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 ये एरियाज हैं जिनकी बात की गई है आपके नए कोड के अंदर। ओके, तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आपका कंसीलिएशन ऑफिसर, तो कंसीलिएशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो कोड में सीधा सीधा लिखा गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में, किसी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई मैटर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर्स की बॉडी है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर सेंट्रल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, हमने पहले भी देखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज कंसीलिएशन ऑफिसर, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को कंसीलिएशन ऑफिसर बनाना है, ठीक है, और इनको क्या ड्यूटी देनी है ये भी जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी किस ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए जो सेटलमेंट है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीलिएशन ऑफिसर को किस लिए अपॉइंट कर सकती है या किस एरिया के लिए अपॉइंट कर सकती है, तो कंसीलिएशन ऑफिसर को बोला जा सकता है कि आप इस स्पेसिफाइड एरिया में काम करोगे। स्पेसिफाइड एरिया का क्या मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है, स्टेट में टेरिटोरियल एरिया की बात हो गई कि भाई स्टेट को फॉर एग्जाम्पल आपने 4 टेरिटोरियल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने 4 अलग अलग कंसीलिएशन ऑफिसर अपॉइंट कर लिए कि इस एरिया को ये देखेगा, इस एरिया को बी कंसीलिएशन, सी डी, ऐसे करके, ठीक है, तो एरिया आपने स्पेसिफाई कर दिया। या फिर आप इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमारी स्टेट में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ए कंसीलिएशन ऑफिसर देखेगा, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो बी कंसीलिएशन ऑफिसर देखेगा, ठीक है, सिमिलरली किसी और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस तरह से भी डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। आप सिंगल कंसीलिएशन ऑफिसर को मल्टीपल टेरिटरीज के लिए या मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो। कंसीलिएशन ऑफिसर को परमानेंटली भी अपॉइंट किया जा सकता है या लिमिटेड पीरियड के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड कंसीलिएशन ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, कैन बी अपॉइंटेड ओनली परमानेंटली,
कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन बना करके वो पूछ लेगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वंस अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंफ्यूज नहीं होना कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस है। जब हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कह रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना दिया, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि अगर पूरे देश के ऊपर कहीं पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है या मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्वड हैं तब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है। एक छोटा मोटा कोई इशू है पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड या पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक नॉर्मल सा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी बना सकती है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल पावर्स और अथॉरिटी उसके पास जो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है, इनके अंडर जो पावर्स मेंशनड हैं ट्रिब्यूनल की वो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल होगा वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है बस, ये एक्ट्स को आप याद ध्यान में रख लेना कि इन एक्ट्स के अंडर भी जो पावर्स हैं ट्रिब्यूनल में गिवन वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाएगा वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो सीधा सीधा एक्ट में लिखा गया है कि जो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनेगा उसके अंदर दो मेंबर होंगे, ठीक है, चाहे स्टेट ट्रिब्यूनल बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाए, ठीक है। अभी जब हम आगे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि दो ही मेंबर होंगे, तो दो मेंबरों की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वंस अगेन क्या हो गया, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ट्रिब्यूनल बना रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ट्रिब्यूनल बना रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है जी। अब इन दो में से एक होना चाहिए जुडिशियल मेंबर, जुडिशियरी से रिलेटेड मेंबर होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल बना दिया, ठीक है। अब इस ट्रिब्यूनल में दो मेंबर्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक जुडिशियल। अब जो इंडस्ट्रियल कोड है वो कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, वो भी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा कि एक्स वाई जेड इशू के ऊपर अगर कोई केस आता है या कोई सुनवाई आती है तो दोनों मेंबर यानी कि इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी और आपका जुडिशियल मेंबर भी दोनों के दोनों साथ में बैठेंगे और सुनेंगे। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में देखते हो ना, दो जज, तीन जज, पांच जज ऐसे बैठते हैं ना एक किसी भी केस को सुनने के लिए, तो कुछ इश्यूज एक्स वाई जेड अभी दिखाऊंगा आपको कौन से इश्यूज हैं वो, उनको सुनने के लिए दोनों मेंबर बैठेंगे। एक्स वाई जेड के अलावा जितने भी इश्यूज हैं अगर वो आते हैं तो सिंगल बंदा सुन सकता है उसको, ठीक है, सिंगल बंदा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल, ठीक है। अब सारे केसेस के लिए अगर आप दोनों लोगों को बिठाओगे, अब एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बना दिया, ठीक है, और दोनों बंदे बैठेंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी दोनों बैठ करके एक केस को सुनेंगे, तो ऐसे तो केसेस ही नहीं निपटने में आएंगे, बहुत ज्यादा केसेस पाइल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा कि बेंच, फिर बेंच बनते हैं, जैसे एक कोर्ट है, कोर्ट में अलग अलग बेंच होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखते हो अलग अलग बेंचेस बने हुए होते हैं, ये इस जज का बेंच है, ये उस जज का बेंच है, तो बेंच में एक सिंगल आदमी होएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल में टोटल दो मेंबर हैं लेकिन बेंच में सिंगल आदमी होगा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर्स की। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कितने समय तक बंदा ऑफिस में रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, अलाउंसेस क्या मिलेंगे, उसको अगर रिजाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, अगर उसको उसके ऑफिस से हटाना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये सारी बातों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाएगा। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है वो कहता है कि इन सारी चीजों के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल है, चाहे वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कोई भी ट्रिब्यूनल है, तो उस केस में अगर ये सब चीजें करनी है तो वो किस तरह से की जाएंगी, वो की जाएंगी एज पर द रूल मेड अंडर सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 क्या कहता है, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 का सेक्शन 184 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टर्म्स ऑफ ऑफिस से रिलेटेड, सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड,
रेजिग्नेशन से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, चाहे वो चेयरपर्सन का है, वाइस चेयरपर्सन का है, चेयरमैन का है, वाइस चेयरमैन का है, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का है जो हमारे केस में इंपॉर्टेंट है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तो इन सब की अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, सैलरीज, रेजिग्नेशन, रिमूवल सबसे रिलेटेड कौन रूल बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पावर कौन दे रहा है? सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स भी कौन सेट करेगा? इनडायरेक्टली क्या बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगा। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद यहां पर एक चीज और सीधा सीधा बोली गई कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, अगर उसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से छोटा है या जब वो रिटायर हुआ या जब उसने रिजाइन किया उस समय पे उसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से छोटा था, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं बन सकता ट्रिब्यूनल का। ठीक है, वो किसी भी ट्रिब्यूनल का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी से छोटे रैंक के ऊपर था, इज बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो उस केस में ही कैन नॉट बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। या फिर इसको अगर हम दूसरे तरीके से कान घुमा करके पकड़ें, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम जो मिनिमम पोस्ट होनी चाहिए वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है जी, जो टर्म ऑफ ऑफिस है जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का, स्टेट गवर्नमेंट के केस में अगर स्टेट कोई ट्रिब्यूनल बना रही है तो उस केस में जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कौन सेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी। उनके सैलरीज अलाउंसेस भी स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी, रेजिग्नेशन भी स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी, रिमूवल भी स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी। अब आप कहोगे कि सर अभी आप पीछे कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी सैलरी अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब हुआ क्या, इन्होंने कह दिया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, इन्होंने एक चीज लिख दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बताए कि किस तरह से ये सब चीजें सेट की जाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी ये वाला काम स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि ठीक है भाई, तुम जो ट्रिब्यूनल बना रहे हो उसके जो भी मेंबर्स वगैरह हैं उसको अपॉइंट करने का काम तुम्हारा, उनकी सैलरीज वगैरह सेट करने का काम तुम्हारा, अलाउंसेस सेट करने का काम तुम्हारा, हम सब तुम्हें देते हैं, तुम्हारी मर्जी है, रेजिग्नेशन वगैरह जो भी सारा प्रोसेस है वो तुम जो है सेट कर लो। लेकिन फ्यूचर में अब ये वो जो पिछले पीछे क्लॉज था कि सेक्शन 184, अब इसके जरिए इन्होंने क्या कह दिया, अगर आगे चल करके ये चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो सेंट्रल ट्रिब्यूनल के हैं, तो सेंट्रल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ना, तो उस केस में अगर कोई ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उस केस में तो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, साथ ही इन्होंने ये बोल दिया कि स्टेट ट्रिब्यूनल के केस में स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया। लेकिन एक पॉइंट इसमें और डाला गया है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंटमेंट कर ली है ऑलरेडी, उन्होंने मेंबर्स अपॉइंट कर लिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी, तो उस केस में अपॉइंटमेंट होने के बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस को एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता टू द डिसएडवांटेज ऑफ दोज मेंबर्स। ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए प्रोसीजर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों बैठेंगे, अगर केस है रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने समझा था क्या क्या आता है स्टैंडिंग ऑर्डर में, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन इंक्लूडिंग री इंस्टेटमेंट ऑफ, रिलीफ ग्रांट करना है ऐसे वर्कर को जिसको डिसमिस कर दिया गया है, इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट, अगर कोई स्ट्राइक हुई है और वो इलीगल है, लॉकआउट हुआ है, कोई इलीगल है, वर्कर्स के रिट्रेंचमेंट के केस में, अगर इस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो जाती है उस केस में, ट्रेड यूनियंस का कोई डिस्प्यूट है, तो इन सारे केसेस में दोनों जज जो हैं वो बैठेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी। बाकी के जितने भी केसेस हैं उनको सिर्फ एक व्यक्ति सुनेगा, या तो जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, चलो ऑलराइट। अगर दोनों बैठे हैं, जो केसेस हमने देखे ये आपको एरियाज बताया ना कि किन एरियाज में दोनों जुडिशियल जज, जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों बैठेंगे बेंच पर। ठीक है, तो इस केस में प्रिसाइड कौन करेगा जब दोनों बैठे हैं? तो उस केस में प्रिसाइड करेगा आपका जुडिशियल मेंबर। ऑलराइट, स्टाफ की बात की जा रही है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट ट्रिब्यूनल के केस में स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों गवर्नमेंट्स लिख के बता सकती हैं कि हाँ भाई उन्होंने फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई जेड ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया। तो अब ट्रिब्यूनल में मेंबर तो दो ही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, पर उसके अलावा और भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन देयर रिस्पेक्टिव केसेस वो बता सकते हैं कि कितने ऑफिसर्स अलाउड होंगे, कितना स्टाफ अलाउड होगा ऐसे ट्रिब्यूनल को। ओके चलो, ऑल राइट। नाउ फाइनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लेती है, वेदर एज ए जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने किस बेस पे इनको अपॉइंट किया है। एक चीज ये बोल दी गई। उसके अलावा अगर कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग इन ट्रिब्यूनल्स के सामने अभी चल रही है, ठीक है, तो आप किसी भी केस में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या ये जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में फॉर एग्जांपल उस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की जगह पर वैकेंसी है, पर जुडिशियल मेंबर जो था उसने कोई केस जो है सुन लिया और उसका नतीजा सुना दिया। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं मानता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तो अभी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। या आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रिब्यूनल फर्जी है, इनको गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है। तो आप किसी भी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स के ऊपर कि ट्रिब्यूनल में वैकेंसी थी या ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई झोल है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। अब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। एक या एक से ज्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब किन कैसे डिस्प्यूट्स के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, पूरे देश के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में हुआ है जो एक से ज्यादा स्टेट में है। अब फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे मारुति है, अब मारुति में अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो मारुति के ऑफिसेज तो अलग अलग, मारुति की फैक्ट्रीज तो अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। तो उस केस में एक स्टेट के बस की बात तो है नहीं, ऑलराइट। तो अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, ऑलराइट। मेंबर्स सिमिलरली इसमें भी दो मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो जुडिशियल मेंबर होगा, ही शुड बी एटलीस्ट और हैज मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर वो हाई कोर्ट के जज से नीचे के रैंक का व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, तो आप जुडिशियल मेंबर उसको नहीं अपॉइंट कर सकते। तो मिनिमम हाई कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए जुडिशियल मेंबर। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर आपने अपॉइंट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का सिर्फ वो व्यक्ति बन सकता है जो करंटली भारत सरकार का सेक्रेटरी हो या स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के रैंक पर हो या सेक्रेटरी के रैंक पर रह चुका हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो करंटली वर्किंग हो, क्या पता वो रिटायर हो गया हो, है ना। तो सेक्रेटरी का रैंक मिनिमम होना चाहिए, सेक्रेटरी के रैंक से नीचे अगर वो है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं बन सकता, ठीक है। अगर अब हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जब हम स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट का छोटा मोटा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे, तो उस केस में जुडिशियल मेंबर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि जज होना चाहिए हाईकोर्ट का, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए क्या बोला गया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केस में क्या हो गया कि सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जो जुडिशियल मेंबर है वो प्रिसाइड करेगा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। चलो अब बात करते हैं डिसीजंस ऑफ अ ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अगर कोई ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिसीजन दे देता है तो वो डिसीजन किस तरह से दिया जाता है? सबसे पहले तो दो मेंबर होते हैं, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मेजोरिटी के हिसाब से होएगा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी कैसे होएगी? एक बंदे ने अगर हाँ बोल दिया किसी चीज को लेकर, दूसरे बंदे ने ना बोल दिया, तो क्लैश तो हो ही गया, मेजोरिटी तो बनने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि कंसेंसस से होना चाहिए डिसीजन, ठीक है। कंसेंसस यानी कि दोनों मेंबर जब किसी डिसीजन के ऊपर फाइनली एग्री करेंगे तभी उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। अब ऐसा हमेशा तो हो नहीं सकता कि कंसेंसस बिल्डअप हो, ठीक है, मेंबर्स डिसएग्री तो करेंगे ही। अब ऐसा अगर हुआ कि उनका कंसेंसस बिल्ड हो ही नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड इशू है और उसके 10 पॉइंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 पॉइंट्स पे डिसएग्री कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट को लेकर के वो डिसएग्री कर रहे हो या दो पॉइंट्स को लेकर के वो डिसएग्री कर रहे हो,
ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे वो डिसएग्री कर रहे हैं वो पॉइंट्स को वो कागज पे लिख करके, चिट्ठी में लिख करके सरकार को भेज देंगे। अगर वो स्टेट के ट्रिब्यूनल है तो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, सेंटर का ट्रिब्यूनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। फिर जो सरकार है वो क्या करेगी, सरकार कहेगी अच्छा तुम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे निकम्मो, तो ऐसा करता हूँ हम एक किसी दूसरे ट्रिब्यूनल का या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर को तुम्हारे पास भेज देते हैं, ठीक है, किसी और ट्रिब्यूनल का। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया ना कि भाई मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में चार ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो कह देंगे चलो हम तुम्हारे डिसाइड नहीं तुम कर पा रहे तो हम किसी दूसरे ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर तुम्हारे पास भेजते हैं। अब वो जुडिशियल मेंबर आएगा, इन दोनों के साथ बैठेगा, हाँ भाई बताओ क्यों नहीं फैसला कर पा रहे, वो अपनी अपनी दिक्कतें बताएंगे और वो उनको आराम से सुनेगा। अल्टीमेटली वो कोशिश करेगा कि कंसेंसस बिल्ड कर दिया जाए। फाइनली अगर इस केस में भी कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, अब कितने लोग हो गए, टोटल तीन लोग हो गए, पहले तो दो थे, ठीक है, उस केस में मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं हो सकता, लेकिन अब तीन हो गए क्योंकि एक ये जुडिशियल मेंबर भी आ गया ना। तो अब अगर कंसेंसस तीनों के अंदर नहीं बिल्ड होता तो क्या होगा, मेजोरिटी से डिसीजन होगा, क्योंकि अब मेजोरिटी की जा सकती है एक पॉइंट को लेकर के। अगर एक बंदा डिसएग्री कर रहा है और दो बंदे एग्री कर रहे हैं तो जो एग्री कर रहे हैं फिर वो चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी, वो डिसीजन एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस फॉलो किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केस में, ओके। चलो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब लास्ट, किस तरह से ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मेंबर डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। सबसे पहले अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई चल रहा है तो जो मेंबर है ट्रिब्यूनल का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है चाहे वो जुडिशियल मेंबर है, वो किसी भी तरह से इस डिस्प्यूट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जो डिस्प्यूट उस ट्रिब्यूनल या उस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास आ रहा है वो किसी भी तरह से उस एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल मेंबर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, या वो किसी उस इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अगर वो कनेक्टेड है तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे जजेस के केस में क्या होता है, कोई जज अपने खुद के बेटे का मर्डर केस नहीं सुन सकता क्योंकि वो कनेक्टेड है उससे, सेम इज हियर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अगर वो नहीं है, अगर वो लिंक्ड है इससे, कनेक्टेड है, तो उसको हटा दिया जाएगा। दूसरा, ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 इयर्स। तो यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया कि 65 साल तक ही ट्रिब्यूनल के मेंबर रह सकते हो आप, चाहे वो इंडस्ट्रियल स्टेट लेवल का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 65 इयर्स जो है आपकी एज लिमिट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहां पर हमने अब एक बेसिक सिस्टम समझ लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया जो सरकार ने बनाया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, जो मैकेनिज्म सेट किया है रेजोल्यूशन के लिए। अब आगे का प्रोसीजर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, और एमसीक्यू कोर्सेज आपके पास लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, 500 प्लस एमसीक्यू कोर्सेज। अगर आप इंडिविजुअली गैप का, लॉ का या सिक्योरिटी का परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड या वैसे भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 9041244689 पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर, और कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, जो मर्जी चाहे आप पूछिए बिंदास होकर के, बस डिसेंसी मेंटेन करना है कमेंट्स में अपने, ओके। चलिए, और अच्छा लगा हो अब आपको तो ये वीडियो आपने जरूर शेयर करना है, अपने और फ्रेंड्स को बताइए जो ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं। ये मत सोचना कि अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि सर बड़ा बेकार पढ़ाया तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ठीक पढ़ाया है, ठीक ठाक काम चलाओ पढ़ा दिया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है आपने, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार मैं पढ़ लेता हूँ तो कंपटीशन नहीं मेरे को बढ़ाना है औरों के साथ शेयर करके, वो सब नहीं सोचना, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। बाकी वीडियोज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।